नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। प्राइम टीवी में अब खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध न होने पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देहरादून पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक वो हल्द्वानी नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ में उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा देश आर्थिक संकट की वजह से जूझ रहा है और कोरोना और ब्लैक फंगस ने लोगों को काफी ज्यादा परेशानी में डाल दिया है और अब सरकार की ओर से उन्हें कोई भी मदद नहीं दी जा रही है। लिहाजा हालात ये हो गए हैं कि लोगों को फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन भी नहीं मिल पा रहे। कोविड की महामारी में आजकल रक्त की बड़ी समस्या हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने आदेश ये वो किया था, आग्रह कि सभी युवाओं से और युवा मोर्चा को दिशा निर्देश दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्त। हरिद्वार के मेला अस्पताल ब्लड बैंक में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद महाराज ने हिस्सा लिया। यहां पर उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के काम की सराहना भी की है। बता दें कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी होने के कारण कई संस्थाओं से आग्रह किया गया था, जिसके बाद में रक्त की कमी को दूर किया जा सके। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि इस शिविर के जरिए ज्यादा से ज्यादा रक्त इकट्ठा हो पाए ताकि लोगों की मदद की जा सके। भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा युवा मोर्चा है, भारतीय जनता पार्टी के इसके द्वारा पूरे प्रदेश के अंदर यह रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उसकी शुभारंभ हमारे जनपद हरिद्वार से दी गई है। हमारे सचिन गुर्जर जी के नेतृत्व में आज जो मेन हॉस्पिटल है यहाँ। वही हरिद्वार में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाबा रामदेव की गिरफ्तारी के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने रामदेव के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जहां पर पूरे देश में एलोपैथी और सेवा में लोग लगे हुए हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन बाबा रामदेव का बयान बहुत ही आपत्तिजनक है। पिछले एक साल से ज्यादा समय हो गया है, देश में कोरोना की दूसरी वेव इस समय चल रही है। हमारे हजारों मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं, वो उनको उनकी मृत्यु हो गई है इस कोरोना के खिलाफ जंग में। परंतु हमारे संवेदनहीन ये रामदेव जो नरेंद्र मोदी जी के एजेंट हैं, ये सफेद झूठ बोल रहे हैं, ये बदनाम करने का काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स को, कोरोना योद्धाओं को। और इन्होंने बार बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे पूरे देश की जनता आहत हुई है। हम मांग करते हैं कि इनको तत्काल माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में भेजा जाना चाहिए। तो धरना दिया जा रहा है, ये परचूनिया लाला रामदेव जो कि शिकंडी है, चोर है और महा झूठा है, उसके खिलाफ ये धरना जो है युवा कांग्रेस ने रखा है। एक और युवा कांग्रेस जो पूरे देश भर में लोगों को दवाई, ऑक्सीजन, उनको राहत सामग्री देने का काम कर रही है, दूसरी ओर ये लाला रामदेव डॉक्टरों का अपमान कर रहा है, जो फ्रंटलाइन वॉरियर है, जो हमें बचाने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोल रहा है सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए, लोगों को भ्रमित कर रहा है। वही हरिद्वार में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन ले रही है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को सलाह दी जा रही है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। साथ ही चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और पुलिस बेवजह घूमने वालों का चालान भी काट रही है। पुलिस ने बताया कि उन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कोरोना में कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया। अपने जो जानने वाले थे, अपने परिवार के लोगों को खोया है, उसका दर्द उनके अंदर है। हरिद्वार में अस्त जो विसर्जन है, उसे संत ने लोगों का बीड़ा उठा रखा है। आज करीब 400 लोगों की लावारिस अस्थियों का एक साथ विसर्जन किया गया है। कोरोना से मौत होने के बाद में लोगों के परिजन दिल्ली के विभिन्न शमशान घाटों पर ही अस्थियों को लावारिस छोड़ गए थे, जिसका विसर्जन किया जा रहा है। स्वामी राजेश्वरानंद का कहना है कि आज के समय में मानवता तार तार हो चुकी है, अपने ही अपनों की अस्थियों को लावारिस छोड़कर जा रहे हैं। हरिद्वार में कोविड-19 को लेकर उत्तराखंड पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो लोग बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, उनका पुलिस चालान काट रही है।
एसएसपी का कहना है कि कोविड कर्फ्यू जनता की भलाई के लिए लगाया गया है, जिसमें कि जनता को ही नियमों का पालन करना चाहिए। लोगों को समझाना और समझना भी होगा कि कोरोना ऐसी बीमारी है जो किसी को भी नहीं छोड़ती है, इसलिए लोगों की सावधानी के साथ में उनको आगे बढ़ना होगा और लोगों को नियमों का पालन लगातार करते रहना होगा। देखिए, कोविड कर्फ्यू जो है जनता के भलाई के लिए सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसमें यह है कि जनता का सहयोग जब तक नहीं रहेगा तब तक जो है इसका सफल होने का जो है संभावना कम रहता है, लेकिन जनता ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। उसका जो नतीजा जो है हम अभी डेली केसेस का गिरावट में हम देख सकते हैं। उत्तराखंड बहुत अच्छा कोविड नियंत्रण में जो है हमारा सरकार द्वारा, हमारे जिला प्रशासन द्वारा जो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी जो भी इस कर्फ्यू से हमें सहयोग नहीं करते उनको पुनः हम अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें सहयोग करें और जो है एक दो सप्ताह के अंदर जो है इसके बिल्कुल हम जीत कर हम बाहर आ सकते हैं। कोई भी जो है जो सरकार का नियम का पालन नहीं करता उनको विजय। वहीं कोविड-19 संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन में जरूरी वस्तुओं के प्रतिष्ठानों को एक निर्धारित समय तक खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ इलाकों में नियमों का पालन नहीं हो रहा। नवोदय नगर में जिम संचालक के द्वारा जिम खोलकर सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है। LIU आरक्षी की सूचना पर एक्शन लेते हुए थाना सिडकुल की पुलिस ने जिम को बंद करवाया है और जिम संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं ऋषिकेश में DRDO द्वारा तैयार किए गए कोविड केयर सेंटर की कमांड को संभालने के लिए एम्स के चिकित्सकों की टीम एक्शन में आ गई है। तैयार किए गए कोविड सेंटर में मरीजों की भर्ती होगी। इस पूरे अस्पताल में मरीजों के लिए 24 घंटे सुविधाएं होंगी। सेंटर में एडमिशन का चार्ज निःशुल्क रहेगा। इस सेंटर में 100-100 ऑक्सीजन के बेड, 4 वार्ड तैयार किए गए हैं और सभी वार्डों में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था भी की गई है। कोविड के इस ट्रीटमेंट के दौर में हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि अटेंडेंट भी उतने ही जरूरी है जितने कि मरीज का केयर करना। अटेंडेंट को समय समय पर मरीज की सूचना मिलती रहे, मरीज कैसा है, ठीक हो रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर उसको पता चलता रहे तो उसकी एंजाइटी कम होती है। इसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक रैबार डेस्क, रैबार जो जिसका कि गवाली में अर्थ होता है संदेश, एक रैबार डेस्क का स्थापना की है। रैबार डेस्क में हमारे डॉक्टर्स 400 के 400 मरीजों के बारे में नित्य प्रतिदिन एक एस्टैब्लिश समय पर मरीज के अटेंडेंस को, मरीज के कुशल क्षेम की सूचना। हरिद्वार के गंग नहर कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों को गिरफ्तार करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक शातिर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिसमें से 3 गाड़ी रुड़की क्षेत्र से चोरी की गई थी। गाड़ियां लगातार कुछ चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें हमारे CO रुड़की और इनके नेतृत्व में एक CO इंस्पेक्टर गंग नहर और उनकी टीम के द्वारा एक वर्क किया जा रहा था, जिसमें 3 अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था, जो जिसमें एक भगवानपुर का और 2 सहारनपुर के लड़के हैं जो ये काम कर रहे थे। कल इब्राहिमपुर के पास में इन लोगों की अरेस्टिंग की गई थी, वहां पर सूचना प्राप्त हुई थी कि वहां पर हैं। इनसे 6 गाड़ियां अब तक रिकवर की गई हैं, जिसमें 3 हमारे क्षेत्र की हैं, 3 यूपी की हैं, बाकी कुछ गाड़ियां इनके द्वारा जो बेची गई हैं और कुछ और अभियुक्त इसमें शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में कोरोना और कर्फ्यू के चलते अवैध कच्ची शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। आबकारी विभाग के साथ में ही पुलिस की कार्रवाई कच्ची शराब के कारोबार पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। पथरी थाना क्षेत्र स्थित सहदेवपुर गांव में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। 6 ड्रमों में बनाई जा रही करीब 2000 किलो लीटर जो कच्ची शराब है उसकी लहन को नष्ट किया है और शराब बनाने के लिए कई जो सामान है उनको भी बर्बाद किया है। आबकारी इंस्पेक्टर का कहना है कि इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। वहीं कलियर में एक महिला एसएसपी के पास न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंची। पीड़िता ने बताया कि नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने उसके साथ में उसे बंधक बनाया है, उसके ऊपर अत्याचार किया है। इसके बाद महिला किसी तरीके से आरोपी के चंगुल से बाहर निकली और उसने पुलिस अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
कोरोना संक्रमण के दहशत के साथ साथ अब ब्लैक फंगस का दहशत भी बढ़ता जा रहा है। ऋषिकेश एम्स में ब्लैक फंगस से ग्रसित मरीजों की कुल संख्या 110 हो गई है, जिसमें से उपचार के दौरान 7 मरीजों की मौत भी हो गई है। दूसरी ओर अस्पताल में अभी तक 2 मरीजों को उपचार के बाद में डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। फिलहाल एम्स में कुल 99 मरीजों का उपचार जारी है। सलेमपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मानवता की मिसाल पेश की है। दरअसल बेसहारा परिवार के एक सदस्य की अचानक मौत हो गई। शर्मसार कर देने वाली बात यह है कि मृतक को कोई भी कंधा देने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदू महिला का अंतिम संस्कार करवाया है और एक मिसाल कायम की है। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सजग नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सैनिटाइजर का छिड़काव भी कर रहे हैं। कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम जोरों से चल रहा है। इस दौरान भाजपा नेता मनोज पाठक खुद ही ट्रैक्टर से क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में सैनिटाइजेशन करते हुए नजर आए। साथ ही उनके द्वारा जरूरतमंदों को राशन तेल के साथ साथ मास्क और सैनिटाइजर साबुन वितरित किया गया है। कोरोना को लेकर नेताजी का कहना है कि लोग दूरी बनाकर रखें, जब तक अति आवश्यक काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले। आज खुशालपुर नई आबादी में कोविड-19 के समय पर हमारी पूरी टीम जिस तरह से सैनिटाइजेशन का काम कर रही है वो श्रेष्ठ है। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के वासियों का, रोहित जी का, हमारे श्रीमान बालम जी का, हरीश पांडे जी का, ध्यानदा का और गौरव जी का, क्योंकि गौरव जी यहाँ के हमारे सम्मानित बीडीसी के मेंबर भी हैं, सब लोगों का और पूर्व में हमारे प्रधान रही यहाँ पर, इन सब का बहुत बहुत। कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए पुलिसकर्मी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एसएसपी ने नई पहल शुरू की है और जिन पुलिसकर्मियों को कोरोना की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसकी वजह से अधिकारी उनकी मदद के लिए गूगल मीट का प्रयोग कर रहे हैं और निर्णय ये लिया गया है कि गूगल मीट के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो एसएसपी ने नई पहल शुरू की है और जो भी दिक्कतें हैं गूगल मीट यानी कि एक वर्चुअल माध्यम से लोगों की शिकायत को सुना जाएगा और उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी पुलिस की तरफ से। और ये बड़ा फैसला लिया गया है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे, लोग इस कोरोना काल में सुरक्षित रहें, प्रयास ये किया जा रहा है कि वर्चुअल माध्यम से लोगों से जुड़ा जाए, पुलिसकर्मियों से जुड़ा जाए, क्षेत्रों में जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसका जायजा लिया जाए और आम जनता को सुलभ एक व्यवस्था प्रदान की जाए जिससे कि वो इस कोरोना काल में खुद को सुरक्षित रख पाए। इसके लिए वर्चुअल माध्यम से गूगल मीट के माध्यम से लोगों से चर्चा की जाएगी, जो भी कमियां हैं उनको पूरा करने का, उनको दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। अभी कोरोना महामारी का जो सेकंड वेव चल रहा है इसमें पुलिस कर्मी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका ड्यूटी में काफी व्यस्तता भी रहता है। अभी इसलिए हमने सोचा था कि सभी पुलिस कर्मी जो है यहाँ बुला के सम्मेलन करना कोरोना का प्रोटोकॉल के हिसाब से भी संभव नहीं होता है, इसलिए गूगल मीट का माध्यम से जिस जिस जहाँ पर उनका पोस्टिंग है, थाने हो या चौकी हो, वहां से जो है गूगल मीट माध्यम से उनसे जुड़ के उनका कोई समस्या है या उनका कोई परिवार वाले के कोई समस्या है इस कोरोना काल में, या कोई भी पुलिसकर्मी हरिद्वार में पहले तैनात है, उनका बच्चे इधर अभी रह रहे हैं और अभी वो कहाँ बाहर तैनात है, उनका कोई समस्या, इसी बारे में हम विचार करके जो है उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। कोरोना संक्रमण के चलते भी अवैध शराब तस्करों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। शराब तस्करों को रोकने के लिए पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से तस्करों को गिरफ्तार किया है। कोतवाल रितेश शाह ने बताया है कि तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।